वॉचिंग अलर्ट इंडिया न्यूज स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ने जा रही है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि आज जिला कार्यालय में इन लोगों की कोई मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में काफी जो है वो हल्ला गुल्ला हुआ है, वही उनसे उस मीटिंग को लेके जो है आज हम बात करेंगे। जो बात है वो है ज्वाइलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट से जुड़ती हुई। जी राजेंद्र जी, आप हमें ये बताइए कि क्या बात हुई उस मीटिंग के अंदर और आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे डोगरी में बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि हम डोगरा इलाके से जुड़े हुए हैं और हम डोगरा स्वाभिमान संगठन के सदस्य ही हैं और डोगरी में बात करना हमारा एक उद्देश्य है। मैं थोनों एक गल सुनाना चाहना कि जेडी मीटिंग हुई कठुए मतलब सैक्रेट जेडी डीसी साहब ने रखी थी, अही डीसी साहब के बड़े आभारी हो और मैं अपने तहल दिल के डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें ये पहली बारी साढ़े जो लोग गल सुनी। मतलब किन लोगों की बात सुनी, कौन लोग थे उस मीटिंग में? उस उदे विच्चे सारे लोग जो क्रैशर आए लोग है, क्रैशर स्क्रीनर मतलब ये लोग है। और सब तो बड़ी गल है कि किसी वजह कन्ने डीसी साहब चली गए बिलावर, वो साड़ी गल नहीं सुनी सके। अगर वो सुनते तो उन्हें भी सारा पता लगी लगा भी ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। जी, क्या लगा आपको उस मीटिंग में, किस मुद्दों के ऊपर जो है वहाँ पे बात हुई है? उत्थे गल्लां चला दियां हां कि मतलब कि क्रैशर की एड़ी चीज़ कम है, एड़ी चीज़ घट है, एड़ी चीज़ पूरी नहीं हुई, इन्हें पूरी नहीं। लेकिन मैं एक गल आखना चाहना कि जियां मैं कुसे दी गल नहीं करना चाहता, मैं अपने एक स्क्रीनर दी गल करना चाहता। स्क्रीनर बहुत छोटी जी चीज़ होंदी है, उस स्क्रीनर पर मतलब लाने वास्ते सब तो पहले अहीं ले टाइटल वेरीफिकेशन तहसीलदार साहब, उस दे बाद जिन्नियां भी एन ओ सी आईयां, क्या पी एच ई, पी डबल डी, बी एम ओ, फिर कि ना बी डी ओ ब्लाक, फिर उदे बाद ये अपने आईए कि ना दा एजुकेशन आले जेड डी ओ, फिर उसके बाद आई है फ्लड कंट्रोल, उस इरीगेशन, पी डबल डी, फॉरेस्ट, ये सारिया मतलब एन ओ सी ली है अहीं ओ स्क्रीनर लाए। उसके बाद इना सानू इस गल की समझ नहीं आई कि साडा स्क्रीनर बंद क्यों किया गया, किसके ऑर्डर से ये स्क्रीनर बंद किया? जेड़ा डी एम ओ है वह आखदा कि सानू डी सी साहब ने आख्या। मैं उसी ये पूछना चाहना कि अगर डीसी साहब ने आख्या तो कोई ऑर्डर देता होगा, मुंहजवानी तो कोई गल चलती नहीं अजकल, जी चलती है लिखित पढ़ती चलती है और वो कोई लिखित पढ़ा ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब झूठ। मतलब आपका ये कहना है कि जितनी भी एन ओ सी ली है आप लोगों ने जो स्क्रीनर वाले हैं, वो मतलब कि इनका कहने का मतलब कि वो किसी के पास नहीं है, इसीलिए इन लोगों ने जो है ये बंद कर दिया। मैं आखना चाहना कि साड़िया पूरिया एन ओ सी हैं, पूरिया कोई एन ओ सी घट नहीं। लास्ट जहाँ ये इल्जाम आया कि लाइसेंस क्या नहीं लिया, मैं उसी पूछना चाहना जरा डी एम ओ है भी लाइसेंस ना 2006 को लेके 2017 तक कोई भी लाइसेंस नहीं, किसी को भी लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस कोई चीज ही नहीं है, ना तो कोई वाइन शॉप है, ना कोई ठेका है, तो ना तो कोई बार है जिदा लाइसेंस हा। इन्हें 2017 से कोई ऑर्डर कटिया, कोई सानू पता नहीं, कोई कुछ नहीं कि मतलब लाइसेंस लो। और उसके बाद सब तो बड़ी गल यह है, अगर तुसे ऑर्डर कढ़ी भी उड़िया सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिथे अही 12 एन ओ सी पी एम टी सब कुछ कराई अं काम कराने, तो तू जरा ऑर्डर है जरा मतलब लाइसेंस का वह ऑर्डर मतलब कि कोई कापी दे देनी चाहिए ना। तो आपको रिटर्न में मिल देना चाहिए। मैं आखना चाहना कि इये तो गल मैं आखना कि सानू जी जी मतलब साढ़े जियां तुम क्रैशर पर भेज दो कि थोड़ा काम बंद करो, तो एड़ी कापी नहीं भेजी सकते भी क्रैशर पर भी थोड़ा लाइसेंस घट है, तुम लाइसेंस ले लो। अगर तुम लाइसेंस नहीं लगे अं थोड़ा क्रैशर बंद कर देंगे, कोई ऐसी गल नहीं हुई। लाइसेंस की तो गल मतलब लाइसेंस के बारे सू बताया सू दस नहीं। और सब तो बड़ी गल के अगर लाइसेंस की गल ही
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਭੇਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖਾਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ MCK, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੇਟ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ DMO ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆ DMC ABC ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨੀ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ, ਕੱਢਿਆ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਹਮੇਂ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਏ? ਯੇ ਵੋ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੋਂ ਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੰਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਕਰੀਨਰ ਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਤੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਕਠੂਏ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜੰਮੂ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਕਵਾਸ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਆ ਜੀ ਕਠੂਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਠੂਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜੀਆਂ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਇਆ 600 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਚੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਟਵਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ DMO CMO, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਰਲੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੰਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰੀਏ ਕਠੂਆ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪੱਤਣ 50-50 ਗੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਪੂਰਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਰੱਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੈ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੀਦ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਦਾ 35-370 ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੜਰਮ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਆਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੈ ਦੀ ਔਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ 2-2 DMO ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਨ? ਉਹ ਸੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਨ ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਈ ਬੜੀ, ਲੁੱਟਣਾ ਬੜਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਲੁੱਟਣੇ ਹੀ ਪਏ, ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ DC ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਵਰ ਚਲੀਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਪੋਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਪੂਰੇ ਪਟਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੈਠੋ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਐਸੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਬਾਤ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਆ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕਿ ਸੰਤਰੀ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੀਡੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਦੇ,
कुसे की पता ते लगे पे कठुए होआ दा की है। एक गरीब आदमी दे क्रैश, हुण मैं कुसे दी गल नहीं करदा, मैं बड़ी मुश्किल स्क्रीनर लाया हाँ, अज मेरा 5 महीने होई स्क्रीनर बंद पे दे, इस डीएमओ की वजह करने 5 महीने हो बंद पे दे, 60 लाख रुपया मेरे पर लोन चढ़ी आ, इस डीएमओ ने मी के देना, मैं प्राइवेट लोन ले दा, ना कि गोरमेंट को ले दा, प्राइवेट पैसे ले दो कुसे कोलो सबूत पर, वो मैं पैसे तो सबूत देना ही देना ना। और इनकी एहसास नहीं कि कोई बंदा इमानदारी के काम कर, और सुनो मेरी गल सब तो बड़ी, कोई नहीं बेईमानी नहीं, कोई अहीं चिट्टा नहीं बेचा दे, कोई अहीं पीला नहीं बेचा दे, कोई अहीं चरस नहीं बेचा दे, कोई अहीं भीम नहीं बेचा दे, कोई अहीं पुक्की नहीं बेचा दे, अस के बेचा दे बजरी बेचा ने उहदे कन्ने लैंटर पाउणा, रेता बेचा ने उहदे कन्ने प्लस्तर होना, अहीं कोई माड़ी चीज नहीं बेचा दे, ये चीजा बंद करवाणगे तो दूजी चीजा खरवाणगे तो क्या देश दा कीहड़ी तरक्की, कीहड़ी तरक्की। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जिस तरह से ये माइनिंग यहाँ से काफी जो डाउन में जा रहे हैं, और माइनिंग जो है वो डिगिंग जो है काफी डाउन कर रहे हैं, ये क्या उससे हमारे कठुआ को कोई नुकसान होगा उससे? मैं गल सुनाई दिया, ये सब बकवास है, सब झूठ है कि ज्यादा डिगिंग तो घट डिगिंग, सब बकवास, जेड़ी डिगिंग होनी ना वो होगी वो खत्म है, उदे अगे डिगिंग नहीं हो सकती, उदे अगे मशीन नहीं जा सकती, जिन्नी डिगिंग होनी ही वो होगी, जिन्नी खुदाई होनी ही होगी, हूं अज जेड़ा बंदा कोई काम करा रहा है, कदी कुसे कोलो प्राइवेट जमीन खरीदा रहा, कदी कुसे कोलो प्राइवेट काम करा रहा है, वो डिगिंग वाला कोई चक्कर ही नहीं रहा। और बाकी रही गल दरिया दे विच डिगिंग हो रही है, उदे कन्ने के लोकें दा लैणा लैणा, एह इक इयां इशू बनाना, एह इशू बनाइए लोकें, मतलब कि लोकें गी गुमराह करना, ते जेड़े बेचारे काम करा दे, जिंदे फुलके चला, जिंदे बच्चे पढ़ा दे, जिंदे बच्चे पढ़ने आ, जिंदे बच्चे बोने ना, उंदा 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 बेड़ा गर्क करा, बस और कुछ नहीं। अलर्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहते हो आप इस सरकार को, गवर्नर साहब तक क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं गवर्नर साहब अगे हाथ जोड़िए बेनती करना, मैं उंदे एडवाइजर अगे हाथ जोड़िए बेनती करना, मैं उंदे जेड़े चीफ सैकटरी उंदे कन्नै हाथ जोड़िए बेनती करना, और जेड़े साढ़े इत्थों दे अपने डीसी साहब इंदे अगे हाथ जोड़िए बेनती करना कि प्लीज तुसी पहले छानबीन ते कर लो, बगैर छानबीन के कै तुसी गरीबें गी तंग करा दे हो, कै तुसी आम लोकें गी तंग करा दे हो, कै तुसी उन्हें लोकें गी तंग करा दे हो जेड़े लोग एक मजदूरी करिए पैसे कमा दे, और जेड़े लोग लुटिए ली जा रहे इत्थों पंजाब दे विच, उन्हें कोई पुछा दा नहीं। इस करिए मेरी इयै गुजारिश है कि साढ़े लोगों का ध्यान रखो, अस लोग इस पर निर्भर है, साढ़े बच्चे उदो कने पढ़ने, साढ़े टब्बर उदो ने चलना, साढ़ा सब कुछ उदो ने। कितने लोग होंगे जो एक कम से कम भी अज जड़ी मैं जड़ी मीटिंग ही, मीटिंग विच भी कम से कम 100 सवा 100 आदमी हाँ, 100 सवा 100 आदमी मीनस कम से कम भी ते 25,000 हैंड टू माउथ हो गया, हैंड टू माउथ हो गया 25,000 आदमी, 100 सवा 100 आदमी तो वो हुआ जिनके बच्चे, जिनकी वाइफ और जो खुद फैमिली वाले, और जो हर क्रशर पे 25-25, 30-30 आदमी है उनकी फैमिली, उनके बच्चे बहुत सारे, और कितने हुए 25,000 से ज्यादा आदमी इन लोगों ने दरबदर कर दिया और बेकार कर दिया, उन लोगों की क्या हालत है ये मैं जानता हूं। तो आपने सुना राजेंद्र सिंह जी की इन बातों को, इनका यही कहना है कि माइनिंग को जो है वो ध्यान से देखा जाए, और डीसी साहब और गवर्नर साहब से ये अपील की है इन्होंने कि इसकी तहकीकात जो है वो बहुत जरूरी है, कम से कम 25,000 फैमिली जो है वो इस वक्त हैंड टू माउथ हो चुकी है, जो कि काम नहीं कर सकती, क्रशर बंद है, क्रशर बंद है, और क्या है वो आपका स्क्रीनर क्रशर सब बंद है, जिसके कारण जो है 25,000 आदमी जो है वो इस वक्त हैंड टू माउथ हो गया, ना उनको खाने के लिए है, ना उनको पीने के लिए, ना वो बच्चे अपने पढ़ा सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा इस रिपोर्ट के बाद कितनी जल्दी सरकार जो है वो हरकत में आती है। अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज, कठुआ। अलर्ट इंडिया न्यूज़।